नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। डम्मी ईवीएम के साथ भारी मात्रा में वोटर कार्ड बरामद, दो लोग गिरफ्तार। बिहटा में चल रहे पंचायत चुनाव के दौरान बिहटा प्रखंड के मुसेपुर पंचायत से भारी मात्रा में वोटर आईडी कार्ड बरामद किया गया है। पोलिंग बूथ के पास एक घर से पुलिस ने इसे जब्त किया है। इसके साथ ही दो डम्मी ईवीएम भी बरामद हुआ है। करीब 350 वोटर आईडी कार्ड बरामद किए जाने की बात कही जा रही है। बरामद वोटर आईडी कार्ड को कंप्यूटर से नकली बनाया गया है। बताया जा रहा है कि पंचायत में नहीं रहने वाले लोगों का पहचान पत्र बनाकर एक साथ रखा गया था, जिसे पंचायत चुनाव में उपयोग किए जाने की मंशा थी। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं मौके से दो बाइक भी जब्त किए गए हैं। दानापुर SP सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। फिलहाल हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। बिहार पुलिस के सिपाहियों के लिए बुरी खबर, अब डायरेक्ट नहीं बन सकेंगे ASI। सरकार करने जा रही है नियमों में बदलाव। बिहार सरकार सिपाहियों के प्रमोशन से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। नए नियमों के अनुसार अब सभी सिपाहियों को अनिवार्य रूप से पहले हवालदार और फिर जमादार बनना होगा। बिना हवालदार बने कोई भी सिपाही अब सीधे जमादार या ASI नहीं बन सकता है। इस प्रस्ताव पर जल्द ही नीतीश कैबिनेट फैसला लेगी। गृह विभाग ने इस पर सहमति दे दी है। कैबिनेट में सहमति के बाद इस नए नियम को लागू कर दिया जाएगा। दरअसल सिपाहियों के प्रमोशन से जुड़ी नियमावली में इस बदलाव के होने के पीछे की वजह यह है कि पहले बिना मैट्रिक पास किए भी सिपाही बन जाते थे, लेकिन 2004 से मैट्रिक और 2009 से इंटर पास ही सिपाही बन सकते हैं। अभी सिपाही बनने की न्यूनतम योग्यता इंटर पास है। अभी जो सिपाही नॉन मैट्रिक है वे पहले हवालदार बनते थे और फिर सिविल जमादार बनते थे, जबकि जो मैट्रिक पास है वे हवालदार या सीधे जमादार बनते थे। अधिकतम मैट्रिक पास सिपाही सीधे जमादार ही बनना चाहते थे, लेकिन अब दो तरह की व्यवस्था को समाप्त कर सिर्फ एक समान व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके मद्देनजर अगर पहले की नियमावली लागू रहेगी तो सभी सिपाही बिना हवालदार बने सीधे जमादार बन जाएंगे। इससे सिपाही का पूरा प्रमोशन पदानुक्रम बिगड़ जाएगा। इस वजह से प्रमोशन से जुड़ी नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। बिहार में ऐसा भी होता है, स्वास्थ्य विभाग ने मृत महिला को भी लगा दी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हर दिन नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य रखा था वह समय से काफी पहले पूरा किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग की पीठ हर दिन थपथपाई जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन के दौरान लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन अभियान के दौरान एक मृत महिला को भी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दे दी। दरअसल दानापुर के नसरीगंज की रहने वाली अंजना देवी की मौत कोरोना वायरस से 6 माह पहले ही हो गई थी, लेकिन बीते 18 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगवाने का मैसेज आया। मृत महिला के बेटे सोनू को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। पूरे परिवार के लिए यह चर्चा का विषय बन गया कि आखिर जब अंजना देवी की मौत हो चुकी है तो उन्हें कोरोना की वैक्सीन कैसे लग गई। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी परिवार के पास है। सर्टिफिकेट में बताया गया है कि पटना सदर PHC में मृत महिला को कोरोना की दूसरी डोज लगाई गई है। यह सब कुछ देखकर मृत महिला का परिवार हैरान है। नीतीश सरकार बंद पड़े 3 आयुर्वेदिक कॉलेजों को फिर से खोलेगी। बक्सर के साथ भागलपुर और दरभंगा के दिन भी बदलेंगे। आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ इसकी खामियों को दूर करने की तरफ आगे बढ़ने वाली है। राज्य सरकार ने बक्सर, भागलपुर और दरभंगा में बंद पड़े आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों को एक बार फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में एक बार फिर से पढ़ाई शुरू होगी। फिलहाल यह 3 कॉलेज बंद है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बात का ऐलान किया है। इन कॉलेजों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में आयुष चिकित्सा पद्धति को बेहतर करने के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजकों और GNM की तैनाती की प्रक्रिया राज्य सरकार शुरू कर चुकी है। सूबे के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और वेलनेस सेंटर पर आयुर्वेदिक इलाज की सुविधा लोगों के लिए मुहैया कराई जाएगी। पटना और गोपालगंज में 50 बेड के आयुष हॉस्पिटल की स्थापना भी की जानी है। मंगल पांडे ने कहा कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा कॉलेजों की शैक्षणिक और आधारभूत संरचना की कमियों को दूर करना सरकार के एजेंडे में शामिल है।
बिहार में गाड़ी रखने वालों के लिए बुरी खबर। पेट्रोल के बाद रजिस्ट्रेशन फी में भारी बढ़ोतरी, पुरानी गाड़ियों का फिटनेस शुल्क भी 12 गुना बढ़ा। बिहार के गाड़ी मालिकों के लिए एक बुरी खबर है। बिहार में पुरानी गाड़ियों का फिटनेस प्रमाण पत्र लेने और रजिस्ट्रेशन कराने में गाड़ी मालिकों को अब ज्यादा पैसा देना होगा, उनकी जेब ढीली होगी। सरकार के नए नियम के मुताबिक फिटनेस और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 3 से 12 गुना तक की वृद्धि की गई है। पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि के बाद अब वाहन मालिकों को सरकार के इस फैसले से झटका लगा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नए स्क्रैप पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अगर कोई पुरानी मोटरसाइकिल को स्क्रैप कर नई गाड़ी लेंगे तो मैनुअल चलने वाली मोटरसाइकिल में मात्र 400 तो सेल्फ वाली मोटरसाइकिल में 500 रुपये देना होगा। जबकि कोई भी व्यक्ति अगर 15 साल बाद भी बाइक चलाना चाहता है तो उसे फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए 1000 रुपये देना होगा। पुरानी गाड़ियों का फिटनेस समाप्त होने के बाद फिटनेस प्रमाण पत्र लेने पर शुल्क के अलावा हर दिन 50 रुपये जुर्माना के तौर पर अतिरिक्त राशि देनी होगी। नए नियम के अनुसार 3 पहिया वाले या हल्के मोटरयान को स्क्रैप करवा कर अगर कोई नई गाड़ी खरीदेंगे तो उन्हें मैनुअल गाड़ी में मात्र 800 तो सेल्फ वाली गाड़ियों के फिटनेस मद में मात्र 1000 देने होंगे। जबकि 3 पहिया में अगर कोई 15 साल बाद भी गाड़ी चलाना चाहेंगे तो उन्हें फिटनेस के लिए 3 गुना अधिक यानी कि 3000 रुपये देने होंगे। जबकि 15 साल पुराने हल्के मोटरयान चालकों को फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए 7500 रुपये जमा करने होंगे। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से तेजस्वी ने शुरू किया चुनाव प्रचार अभियान, दोनों उपचुनाव सीट पर जीत का किया दावा। 3 दिवसीय दौरे पर तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में राजद प्रत्याशी गणेश भारती के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आज दरभंगा पहुंचे। तेजस्वी यादव के साथ दरभंगा ग्रामीण से राजद के विधायक ललित यादव और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वे कुशेश्वर स्थान में राजद प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीटों पर राजद प्रत्याशी की भारी मतों से जीत होगी। ड्रग्स केस में फंसी अनन्या पांडे की कहानी। फ्लॉप फिल्मों की एक्ट्रेस लेकिन अकूत संपत्ति की मालकिन, मुंबई में है आलिशान घर। बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के रैकेट में अब एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी फंसती हुई नजर आ रही है। एक्टर चंकी पांडे की बेटी अनन्या के घर पर गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने दबिश दी थी। अनन्या को एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन्हें फिर से शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है अनन्या पांडे की कहानी। अनन्या पांडे फिल्म एक्टर चंकी पांडे की बेटी है। अनन्या ने अभी केवल 3 फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड में स्टार किड्स यानी कि फिल्मी सितारों के बच्चों को मौका देने के लिए मशहूर करण जौहर ने उन्हें सबसे पहले सिनेमा के पर्दे पर उतारा था। करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर 2 से अनन्या ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। उसके बाद वे कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर के साथ फिल्म पति पत्नी और वो 2 में दिखाई दी। पिछले साल यानी कि 2020 में अनन्या पांडे शाहिद कपूर के भाई ईशान कट्टर के साथ फिल्म खाली पीली में नजर आई थी। अनन्या पांडे की 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। लगातार 3 फिल्में पिटने के बावजूद अनन्या पांडे अकूत संपत्ति की मालकिन है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनन्या पांडे की संपत्ति तकरीबन 75 करोड़ रुपये की है। मुंबई के खार वेस्ट इलाके में उनका आलिशान घर है। इसी घर में एनसीबी ने छापेमारी की थी। अनन्या पांडे अपने घर की तस्वीरें सोशल मीडिया की साइट्स पर डालती रही हैं। दरअसल एनसीबी कह रही है कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट से अनन्या के तार जुड़े हैं। एनसीबी ने अनन्या का फोन जब्त कर लिया है। पूछताछ के लिए अनन्या एनसीबी दफ्तर में पिता चंकी पांडे और एक वकील के साथ पहुंची थी। हम आपको बता दें कि अनन्या और शाहरुख के बेटे आर्यन के बीच अच्छी दोस्ती है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी, सरकारी स्कूलों में बीमार बच्चों की होगी तलाश। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए वैज्ञानिकों ने पहले ही अलर्ट कर दिया है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अपनी तैयारी में जुटा है। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य महकमा विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इसमें सरकारी स्कूल में बीमार बच्चों की तलाश की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कक्षा 8 तक के सरकारी स्कूल के बच्चों की सुधारने के लिए अभियान अगले सप्ताह से शुरू करने का फैसला लिया गया है।
बिहारी राष्ट्रपति सुनकर गदगद हुए कोविंद बोले, जब बिहार आता हूं तो लगता है जैसे मैं अपने घर आया हूं। जी हां, बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार के गौरवशाली इतिहास की खूब चर्चा की है। राष्ट्रपति ने बिहार और इसके इतिहास की चर्चा करते हुए अपने आप को भावनात्मक रूप से बिहार के साथ जुड़ा हुआ बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मुझे बिहारी राष्ट्रपति कहकर संबोधित कर रहे थे तो मैं अपने अंदर से गदगद हो रहा था। बिहार में मेरा सिर्फ राज्यपाल होने तक का लगाव नहीं है, बल्कि मैं यहां आकर एक अलग जुड़ाव महसूस करता हूं। जब मैं बिहार आता हूं तो लगता है जैसे मैं अपने घर आ गया हूं। 5 सांसदों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर लड़ा चुनाव। जीतन राम मांझी ने इन नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है कि देश के 5 सांसद फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर अपने क्षेत्र में सांसद बने हुए हैं। लोकसभा, विधानसभा, जिला पार्षद, पंचायत समितियों व निकाय के अन्य चुनावों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की सदस्यता रद्द कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोग के गठन किया जाए। जीतन राम मांझी ने सभी की सदस्यता रद्द कर सभी के खिलाफ FIR दर्ज कराकर कार्रवाई कराने की भी मांग की है। वे बुधवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।